बैक टू माय चैनल वंस अगेन, राधे राधे आप सभी को। आपको पता है जैसे हमारे मोस्टली जो ब्लॉग रहते हैं वो वृंदावन के रहते हैं, लेकिन इस टाइम बहुत सारे लोग हरिद्वार जा रहे हैं क्योंकि सावन का समय है और इस टाइम हरिद्वार जाना लोग पसंद करते हैं। और हरिद्वार में इस टाइम बहुत से लोग गंगा स्नान के लिए भी जाते हैं। और इस टाइम आपको पता है सावन के दौरान कांवड़ों की यात्रा निकलती, कांवड़िया निकलते हैं, तो बहुत से जो भक्त लोग जाते होते हैं वो हरिद्वार जाते हैं कि उनके दर्शन करने, क्योंकि इस टाइम बहुत से लोग इतनी सुंदर सुंदर कांवड़ यात्रा लेके निकलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस, आपने देखी होंगी फोटोज, देखी होंगी ट्रक के ऊपर भगवान शिव जी की प्रतिमा बना के, और बहुत सारे लोग आते हैं कांवड़ लेके, जगह जगह से लोग आते हैं। बहुत मतलब वहाँ का जो दृश्य होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और उस टाइम लोग जाते हैं हरिद्वार की जो कांवड़िया आए हैं उनको देखने, वहाँ का जो इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं वो सारा जो सीन होता है जैसे मैंने बताया बिल्कुल अलग होता है। तो इसके लिए जब आप जाते हैं हरिद्वार तो इस टाइम इतनी ज्यादा रश हो जाता है, इतना भीड़ हो जाता है। और आपको पता है आप कहीं पे भी जाएं, चाहे वृंदावन ले लीजिए, हरिद्वार ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, जब रश ज्यादा होता है तो होटलों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वहीं जब रश कम होता है तो वही होटलों के दाम आपको रिजनेबल प्राइस पर मिल जाते हैं। अगर कोई कमरा आपको अभी 500 मिल रहा है तो 1000-1200 हो जाएगा, 1000 में मिल रहा है तो उसी का दाम वो 2000-2500 कर देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा वृंदावन के ऊपर तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारे आपको धर्मशाला आश्रम होटल बता दिए सस्ते सस्ते कहाँ फ्री में खा सकते हैं। लेकिन इस टाइम एक दो लोगों ने मुझसे पूछा इंस्टाग्राम में, बहुत ज्यादा क्वेरी आई कि मैम हरिद्वार में कोई अगर होटल है अच्छा तो आप बताइए, कोई धर्मशाला आश्रम है तो आप हमें बताइए। तो हरिद्वार जैसे हम पहले बहुत ज्यादा हरिद्वार जाते थे, अगर आप मेरे ब्लॉग में जाएंगे, बहुत पुराने ब्लॉग में जाएंगे, तो मैंने हरिद्वार का ब्लॉग बनाया हुआ है, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, बहुत सारी जगह हमने कवर की थी। और उस आश्रम में जाके हम पर्सनली रुके भी हैं। उस आश्रम का नाम है सिद्ध बाबा शंकर गिरी आश्रम। जी हाँ, सिद्ध बाबा शंकर गिरी आश्रम, नेम आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, ये आश्रम हरिद्वार में है। और अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है इस टाइम, और कांवड़ की यात्रा चल रही है, आपको पता है बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी, तो हो सकता है कि आपको होटल महंगा मिले, वो तो आप छोड़ ही दिए, हो सकता है कि आपको होटल मिले ही ना क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है। और जब इस टाइम आप जाएंगे तो रश आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, और आप जाके वहाँ होटल ढूंढे, धर्मशाला ढूंढे, आश्रम ढूंढे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं जो जाते हैं रेगुलर बेस पे, उन्हें जानकारी होती है, वो एडवांस में ही बुक कर लेते हैं। और आपको पता है, सबको पता होता है कि सावन आने वाले हैं, अब कांवड़िया जाएंगे, हमें हरिद्वार जाना है। बहुत से लोग सिर्फ गंगा स्नान करने आते हैं, हर की पौड़ी पे वहाँ पे गंगा स्नान के लिए भी आते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो जो मैं आश्रम आपको बता रही हूँ ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये मात्र आपको 250 रुपए मिलता है। जी हाँ, मात्र 250 रुपए में आपको एसी हॉल देते हैं, मैं रूम की बात नहीं कर रही, फिर से रिपीट करती हूँ, एसी हॉल देते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा हॉल रहता है, जिसमें डोमेट्री बेड टाइप होते हैं, जैसे बेड नहीं होते आपको सिंगल सिंगल बेड दे देते हैं, वैसे बेड देते हैं मात्र 250 रुपए में। और ये 250 रुपए सस्ता इसलिए है क्योंकि वो 250 रुपए में आपको हॉल में एसी देते हैं, साथ में बेड देते हैं, उसके साथ साथ तीनों टाइम का आपको खाना फ्री देते हैं। जी हाँ, तीनों टाइम का आपको जो खाना है, जो भोजन होता है, प्रसादी होती है, वो आपको फ्री देते हैं। तो आप सोचिए, आप अगर जाते हैं तो 250 रुपए में आपको रुकने को मिलता है, वो भी एसी में, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन आश्रम, बहुत ही साफ सुथरा है, किसी होटल से कम नहीं है, किसी 3-स्टार होटल से कम नहीं है। और उसमें खाना आपको प्रॉपर 3 टाइम का फ्री में मिलता है। आश्रम के मैं फोटो साथ के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे। अब बात करें कि अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो आप उस आश्रम में कैसे पहुंचेंगे, तो ये आश्रम जो है जैन गली में पड़ता है, उसका पूरा एड्रेस आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, साथ के साथ मैं वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगी, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिए, और हो सके तो एडवांस बुकिंग करा लीजिए क्योंकि अभी पूरा 1 महीने सावन रहने वाला है और 1 महीने में बहुत से लोग जाएंगे और वहाँ रूम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको पर्सनल रूम ना मिले तो अगर आपको ऐसे हॉल की फैसिलिटी मिल जाती है किसी आश्रम में तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, जिसमें आपको खाना भी तीनों टाइम का फ्री मिल रहा है। अगर आप फिर भी पर्सनल रूम चाहते हैं तो इसी आश्रम में आपको पर्सनल रूम भी मिल जाएगा, जिसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, हो सकता है उसका प्राइस 500 रुपये हो, 1000 हो, जैसा वो ले, क्योंकि अभी भीड़ ज़्यादा है तो प्राइस कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब हम गए थे तब उसका प्राइस था मात्र 500 रुपये में, 500 रुपये में एसी रूम था। लेकिन अगर अब आप जाएंगे तो हो सकता है आपको 600-800 बोल दें, तो फिर आप ये मत कहिएगा कि मैम आपने 500 कहा था, अब वो प्राइस ज़्यादा बता रहे हैं। लेकिन जो हॉल का प्राइस मैं बता रही हूँ वो प्राइस इतना ही है, मात्र 250 रुपये में आपको एसी में रहने की सुविधा मिल रही है, साथ में आपको 3 टाइम खाना मिल रहा है। और उससे भी बड़ी चीज़, ये आश्रम आपका बिल्कुल, जहाँ आप जाते हैं गंगा स्नान करने हरिद्वार में, उसके बिल्कुल पास है, वहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। जो लोग हर की पौड़ी पे कांवड़िया आते हैं, जल भरते हैं, स्नान करते हैं, और वहाँ का जो आप देखेंगे जो दृश्य होता है बहुत ही
भव्य दृश्य होता है, बहुत ही मतलब मनमोहक दृश्य होता है आप ये कह सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग, मैंने कहा ना कि कांवड़िया लेके तो जाते जाते, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ वो देखने जाते हैं, वहां के दर्शन करने जाते हैं। और आप जैसे मैंने बताया कि आप देखते भी होंगे वीडियोस में कि बहुत से लोग ट्रक में लेके जा रहे हैं कांवड़, इतनी प्यारी शिव जी की प्रतिमा बनाई हुई है, कोई कैसे लेके जा रहा है, सबके अपना अलग अलग ले जाने का तरीका होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप जब हरिद्वार जाना चाहते हैं अभी सावन में और दर्शन करना चाहते हैं या वहां पे जाके स्नान करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने आश्रम बताया, आप वहां पे जा सकते हैं। और जाने से पहले अगर आप एडवांस बुकिंग करा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप जाएं और आपको फिर वहां रूम ना मिले या फिर आपको बेड ना मिले क्योंकि फुल हो जाए। तो नंबर मैंने आपको दिया है, जाने से पहले आप उस नंबर पे एक बार कॉल कर लिए, कंफर्मेशन ले लीजिए, बुकिंग करा लीजिए, उसके बाद ही जाइए। और बाकी खाना आपको फ्री मिल ही रहा है, तो इतना सस्ता मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऑप्शन मिलेगा हरिद्वार में। इसके साथ साथ अगर कोई होटल या कोई और धर्मशाला मेरे पास आती है और इससे सस्ता हो या आपके बजट में हो, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए सबका बजट सेम नहीं होता, कोई लोग 1,000 रुपए का भी रूम अफोर्ड कर सकते हैं, कोई 500 कर सकते, हो सकता है किसी के लिए 250 रुपए भी बहुत ज्यादा हो। बहुत लोग होते हैं जो 250 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते, होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि आप सोचते होंगे कि 250 रुपए तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ऐसा नहीं है। जब आप जाएंगे देखेंगे, होते हैं ऐसे लोग जो 250 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैं, क्योंकि अब आप देखिए अगर आप जा रहे हैं तो फैमिली के साथ जाएंगे, और फैमिली के साथ जाना आप रूम ले भी लें, फिर वहां बाहर आपको खाने का, आप होटल में जाएंगे खाएंगे, ये सारी चीज बहुत महंगी पड़ती है। उस हिसाब से मैं बता रही हूँ 250 रुपये में जो उसमें आपको 3 टाइम का जो खाना फ्री दे रहे हैं, ये सबसे अच्छा मतलब जो प्लस पॉइंट है कि आपको खाना फ्री मिल रहा है, आपको सिर्फ 250 रुपये पे करने हैं। आज मैं हरिद्वार के आश्रम के बारे में आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा इस टाइम बहुत से लोग हरिद्वार जा रहे होंगे, तो वहां के बारे में अगर मुझे कोई जानकारी है तो मुझे आपको देनी चाहिए, जिससे आपको मदद हो। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे उन्हें शायद हेल्प हो जाए, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जाना चाहते हैं लेकिन फिर बजट के चक्कर में जाना कैंसिल कर देते हैं। अगर मेरी वीडियो से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले, जा सके, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी वजह से, हमारी वीडियो देख के आप गए, दर्शन करके आए। और वृंदावन के बारे में मैं तो हमेशा आपको बताती रहती हूँ, वहाँ के होटल धर्मशाला खाने पीने का के कहाँ फ्री मिलता है, वो सारी चीज मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। एक चीज और आज मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगी, वृंदावन के बारे में तो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके साथ साथ जैसे मैंने आज हरिद्वार के बारे में बताया, आप कहीं और की भी जानकारी चाहते हैं, जैसे आजकल लोग खाटू श्याम बहुत जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, अगर आप वहाँ के भी होटल्स रूम या कहाँ फ्री आप रह सकते हैं खा सकते हैं, वहाँ की वीडियोस भी देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कहाँ कहाँ के होटल्स देखना चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं मैं बताऊँ कि यहाँ फ्री खाना मिलता है, तो वहाँ की हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और मुझे लगता है मैंने आपको पूरी तरीके से सब समझा दिया है, एड्रेस वगैरह आपने सब देख लिया होगा, स्क्रीन पर नंबर मैंने शेयर कर दिया है, आश्रम का नाम बता दिया है, आपकी सारी क्वेरी जो भी है मैंने सॉल्व कर दी है, जिन लोगों ने क्वेश्चन किया था। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है या आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ के साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वृंदावन की भक्ति, आप वहां पे भी आके मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मैं बार बार बोलती हूँ आप चैनल पे आते हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर चैनल वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपका प्यार होगा हमारे लिए। और बस आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए राधे राधे।